गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप माय लास्ट क्लासेस वाज क्लियर टू यू, एज इन नोबडी आस्क्ड फॉर एनी डाउट. एंड वी विल डू दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज टू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी हैव टू सेंटेंसेस हियर. रामाज मैंगो इज स्वीट, इसका मतलब रामा के मैंगो मीठे हैं. अब हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामा, कि हरी के जो मैंगो हैं वो रामा के मैंगो से मीठे हैं. ओके, नाउ द थर्ड सेंटेंस इज गोविंद मैंगोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, कि जितने भी मैंगोज हैं, मतलब हरी के और रामा के और गोविंद के, तीनों में अगर देखा जाए तो गोविंद के सबसे ज़्यादा मीठे हैं. तो अब सेंटेंस वन में हम देखते हैं द एडजेक्टिव इसमें क्या है, स्वीट है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है. तो मेयरली टेल्स अस दैट रामाज मैंगो हैज अ क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस. सिर्फ हम लोग को जो फर्स्ट सेंटेंस है कि रामाज मैंगोज मैंगो आर इज स्वीट और आर स्वीट, तो वो जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि रामा के जो मैंगो हैं उनमें क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस है, विदाउट सीइंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इज, ये बताए बिना कि वो क्वालिटी की मात्रा कितनी है. अब जो सेकेंड सेंटेंस है, द एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स इज दैट हरीज मैंगो कंपेयर्ड विद रामाज हैज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस. सेकेंड सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि जो हरी के मैंगो है अगर उनको रामा के मैंगो से कंपेयर किया जाए तो उसमें क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, और थर्ड सेंटेंस में द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट ऑल द दीज मैंगोज गोविंद मैंगो हैज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, कि जो थर्ड एडजेक्टिव है वो है स्वीटेस्ट. वो ये बताता है कि जितने भी मैंगोज हैं, चाहे वो हरी के हों, चाहे वो रामा के हों, वो या चाहे वो गोविंद के हों, ठीक है, तो वो उसमें जो गोविंद के मैंगोज हैं उनमें हाईएस्ट, मतलब उनमें ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट डिग्री या फिर ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस है, क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस है. तो वी दस सी दैट एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म. अब इससे हम लोगों को पता चलता है कि एडजेक्टिव अपने फॉर्म को चेंज करता है, जैसे स्वीट से स्वीटर और स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, टू शो कंपैरिजन, जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है, कंपैरिजन सीखते हैं हम. दे आर कॉल्ड द 3 degrees ऑफ कंपैरिजन, और इनको हम लोग 3 degrees ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. पहली डिग्री है स्वीट जो होती है, द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी, जो हम लोग की पॉजिटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं होता है, जिसमें एडजेक्टिव एज इट इज रखा जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. जिसमें एडजेक्टिव को हम लोग दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जिसमें एडजेक्टिव को सबसे ऊपर बताया जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है. ठीक है, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट सिंपल फॉर्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज used to denote the mere existence of some quality. इससे क्या पता चलता है कि वो quality का existence है. Of what we speak about, जिसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं. It is used when no comparison is made. जब comparison हम लोग नहीं करते तो positive degree, as I told you. जब comparison करते हैं denotes a higher degree of quality than the positive, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि पॉजिटिव से ऊपर है, मतलब जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है उससे ऊपर है, और हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, जो इसमें एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है. विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर, इन दोनों पेन में से कौन सा पेन बेटर है. एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंज, मुझे ऑरेंज से ज़्यादा एप्पल डियर है, मतलब एप्पल मुझे ज़्यादा पसंद है. और जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर सेट्स ऑफ और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तब उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कि दोनों चीज़ों से ज़्यादा ये तीसरी चीज़ या फिर सेट ऑफ थिंग्स, जैसे दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, जैसे क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉय है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. लेट्स रीड द नोट्स हियर. नोट वन, देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, वी कैन से बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा. ठीक है, उसको ही घुमा करके. इंस्टेड ऑफ सेइंग Hari is the laziest boy in the class, we can say Hari is the least industrious boy in the class.
ठीक है, मतलब सेंटेंस को चेंज करके भी हम लोग सेंटेंस का मीनिंग सेम रख सकते हैं. नोट टू, द सुपरलेटिव डिग्री विद द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन, जब यहाँ पे कंपैरिजन का कोई आइडिया नहीं रहता, बट मेयरली अ डिजायर, बस हम लोग को एक डिजायर रहती है टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द क्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री. ठीक है, बस हम लोग को वो दिखाना है कि वो क्वालिटी उसमें बहुत ज़्यादा डिग्री में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा. जैसे दिस इज़ मोस्ट फॉर्चुनेट, इट इज़ अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस. ओके, तो ये यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मोस्ट लिखकर उस चीज़ की सुपरलेटिव डिग्री को दिखाया जा रहा है. ठीक है, This usage has been called the superlative of eminence and the absolute superlative. Absolute मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, absolute superlative सबसे ऊपर यही है. So we will keep it till here and your homework is that you have to read the chapter till here, understand it and you have to write the degree of comparisons with the definitions and examples and send it to me by the end of this period. And if you have any doubt till here, you can ask me. Thank you.